हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज मैं हूँ होंडा के शोरूम पे। और आज मेरे सामने ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये है होंडा की अमेज। जो फेसलिफ्ट आया था इसका, ये वो है। ये VX MDU है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में आती है। कुछ इस तरह का इसका ये फ्रंट है। फ्रंट में आप अभी ये नया ग्रिल देख रहे हैं। पहले जो ग्रिल आता था वो काफ़ी थिक और इसका जो बार आता था काफ़ी चौड़ा आता था। अभी ये जो नया डिज़ाइन है स्लीक, थोड़ा सा स्लीक हो गया है, शार्प सा, तो अच्छा लगा देखने में। और ये होंडा का लोगो, कुछ इस तरह का इसमें क्रोम एलिमेंट आपको देखने को मिलता है फ्रंट में। नीचे अगर आप आते हैं तो नीचे यहाँ पर इस तरह से कुछ ये रेडिएटर वगैरह, और ये नीचे इसका मिलेगा आपको इस तरह की, इसमें इसका प्लेट। ये यहाँ पर इसका फोग लैम्प आपको मिलेगा LED में। ये प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प मिलेंगे इसमें आपको, ये भी आपको LED में मिलेंगे। और ये इसके DRL, ये भी LED में, कॉनिक लैम्प साथ में। कुछ इस तरह का बोनेट आपको देखने को मिलता है इसमें। ये इस तरह के क्रीज इसमें आपको मिलेंगे देखने को। साइड प्रोफाइल की बात अगर करते हैं तो साइड में कुछ इस तरह का लुक है। टायर साइज की बात करें तो टायर मिलेगा इसमें आपको 15 इंचज़ का 175/65/15। कुछ इस तरह का इसमें आपको हलाए मिलेंगे। और ये आपको ओल्ड मॉडल में जो आते थे उससे बेटर वाले, ये फिलहाल जो अभी नया आया है इसमें, ये इस तरह के मिलते हैं। काफ़ी स्पोर्टी सा लुक है इनका। यहाँ पर ये आपको मड फ्लैप, बॉडी कलर वगैरह भी मिलते हैं इसमें आपको। और ये इस तरह का टर्न इंडिकेटर भी साथ में आपको इसमें मिलने वाला है। डोर हैंडल पे आपको क्रोम मिलेगी। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड आपको रिपेयर सेंसर मिलने वाला है इसमें। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं इसमें। बैक की बात करते हैं तो बैक में कुछ इस तरह का प्रोफाइल है इसका। IVTEC की बैजिंग, अमेज की बैजिंग, होंडा का लोगो, रियर कैमरा, और आपको 4 सराउंडेड पार्किंग सेंसर मिलने वाले हैं इसमें। यहाँ पर ये नीचे रिफ्लेक्टर, और ये क्रोम एलिमेंट थोड़ा सा, ये यहाँ पर टोइंग हुक। इधर ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ये आपको डिफोगर, स्टॉप लैंप और शार्प फिन एंटीना इसमें देखने को मिलता है। ओवरऑल स्लीक सा डिज़ाइन है इसका। रूफ़ की बात की जाए तो रूफ को काफ़ी फ्लैटी सा रखा है ताकि अंदर आपको इसमें हेडरूम की प्रॉब्लम ना हो। ये यहाँ क्वार्टर पैनल ग्लास, यहाँ पर ये बी पिलर आपको ब्लैक में मिलेगा, ब्लैक मैट फिनिश के साथ। और अगर फ्रंट की बात की जाए तो आपको नॉर्मल वाइपर इसमें मिलते हैं। पावर फिगर की बात की जाए तो इसमें 89 BHP और 110 NM का टॉर्क मिलता है आपको। 2417 NM का गाड़ी का व्हील बेस है। ओवरऑल जो लेंथ है वो आपको लगभग 4000 NM की मिलेगी, 3995 NM। सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें EBS और EBD मिलता है। और ग्लोबल NCAP रेटिंग में इसको 4 स्टार मिल चुका है। बूट की बात की जाए तो बूट आपको मिलता है इसमें 420 लीटर का, कुछ इस तरह का बूट मिलेगा आपको। आपको कुछ लगेज रखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा क्योंकि फ्लैट बूट इसमें नहीं आता है। और स्पेयर व्हील की बात की जाए तो वो आपको इसमें मिलेगा 14 इंचज़ का, सेम साइज में नहीं मिलता है। कुछ इस तरह का बूट मिलेगा आपको। टेल लैम्प की बात की जाए तो ये भी आपको LED में मिलती है इसमें। कुछ सी टाइप इसमें आपका इसका डिज़ाइन है इसमें। पहले कुछ अलग आता था, अभी फिलहाल इसमें इस तरह का डिज़ाइन LED इसमें मिलता है आपको। आइए अब चलते हैं बैक सीट पे। डोर की बात की जाए तो डोर अप्रोक्स 80 डिग्री से खुलने वाला है। बीच एंड ब्लैक कलर का इसमें आपका इंटीरियर मिलता है।
इधर आपको डोर पे पावर विंडो के स्विच, ये यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आप रख सकते हो, ये यहाँ पर डोर हैंडल, एक लीटर का वाटर बोतल, कुछ इस तरह का अंदर रहने वाला स्पेस, दो कप होल्डर, आर्म रेस्ट इंटीग्रेटेड आपको मिलने वाले हैं इसमें, हेडरेस्ट, और यहाँ पर कुछ इस तरह का रहने वाला है इसका फिक्स पार्सल ट्रे। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिलता है इसमें। अब ये चलते हैं गाड़ी में बैठ के देखते हैं, तो कुछ इस तरह इसमें आपको लेग रूम ठीक ठाक मिल जाता है, नी रूम भी आपको इसमें अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था, हेड रूम भी काफ़ी ठीक ही है, इसमें कोई सनरूफ आपको नहीं मिलता है। और पीछे आपको ये 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट मिलने वाला है, एसी का कोई वेंट वगैरह नहीं मिलता। दोनों साइड आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं, बीच में ये आपको एक रीडिंग लाइट मिलेगा। अभी इस वक्त इस गाड़ी की बैटरी थोड़ा डाउन है, तो इस चक्कर में लाइट वाइट कुछ जल नहीं रही है। आइए अब चलते हैं फ्रंट सीट पे। फ्रंट डोर की बात की जाए तो इसमें आपको पावर विंडो के स्विच, डोर लॉक अनलॉक, आपका इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORBM इसमें मिलने वाला है आपको, यहाँ से आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। सीट की बात की जाए तो रीच हाइट और रिक्लाइन के लिए आपको इसमें मैनुअल मिलने वाला है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इसमें नहीं आता, यहाँ से आप अपना बूट ओपन कर सकते हैं मैनुअली, इलेक्ट्रिक भी आप की से भी इसको ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना फ्यूलिट और ये बॉनेट के लिए। कुछ इस तरह का आपका फ्रंट में कैबिन रहने वाला है। कुछ इस तरह का इसमें आपको फ्रंट कैबिन मिलने वाला है, ये एसी के वेंट, 7 इंच का इसमें टच स्क्रीन मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले सपोर्ट करता है, ये यहाँ पर इस तरह का ये आपको सिल्वर टच मिलने वाला है, यहाँ टोटल हार्ड प्लास्टिक आपको इसमें मिलता है, ये इसका ग्लोव बॉक्स काफ़ी वाइड है बट कूल्ड वूल्ड नहीं है, इनफ स्पेस है। 4 स्पीकर इसमें आपको मिलते हैं, म्यूजिक की बात अगर की जाए तो स्टीयरिंग में आपको क्रूज कंट्रोल मिलेंगे, CVT में आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है तो इसमें आपको क्रूज का ऑप्शन मिलने वाला है। इधर आपका MID से रिलेटेड और वॉइस के कंट्रोल और टच स्क्रीन के कंट्रोल, वॉइस कमांड। स्टीयरिंग की बात की जाए तो स्टीयरिंग आपका इसमें टिल्ट होता है और टेलीस्कोपिक नहीं मिलता इसमें आपको। इधर आपको 12 वोल्ट का चार्जर मिलने वाला है, साथ में 2 USB के पोर्ट, यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज, ये 2 कप होल्डर, ये आपका गियर नॉब, यहाँ पर थोड़ा सा ये क्रोम की फिनिश, गियर एंड ब्रेक, और एक यहाँ पर ये बोतल होल्डर, यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है इसमें, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर फ्रंट, और आपके इसमें रोल वाइजर, सॉरी फ्रंट और रियर का इसमें डिफोगर, आपका इसकी स्विच, इसी ऑन ऑफ, ऑटो हैजार्ड का स्विच। कुछ इस तरह का इसमें आपको मिलता है डिजिटल मीटर, देखने में काफ़ी सिंपलिस्टिक सा है, काफ़ी क्लासिक डिज़ाइन है इसका, बीच में आपको MID मिल जाता है। अभी गाड़ी की बैटरी डाउन है तो ये आपको मैं दिखा नहीं सकता हूँ। कुछ इस तरह का इसमें इसका लुक है, यहाँ पर ये वाइपर के कंट्रोल, इधर आपका लाइट के कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाता है, और साथ ही साथ VX वेरिएंट में आपको ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिलता है। इधर बात की जाए तो आपको ये डे टाइम ORBM मिलता है, IRBM मिल जाता है, यहाँ रीडिंग लाइट मिलती है, कोई भी सनग्लास होल्डर इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता, फ्रंट आपका सन वाइजर, ड्राइवर साइड इसमें कोई मिरर नहीं है, को ड्राइवर साइड में आपको एक मिरर मिल जाता है। तो काफ़ी स्पेशियस केबिन है इसका,
सीटिंग भी काफ़ी अच्छी है इसमें। सपोर्ट की बात की जाए तो साइड में इस तरह की सपोर्ट मिलती है आपको सीटों में, काफ़ी कम्फी है। आइए अब खोलते हैं इसका बोनेट। तो कुछ इस तरह का आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने वाला है इसमें। यह इंजन बे कुछ इस तरह का इंजन लेआउट है। नेचुरली स्पिरिटेड इंजन इसमें आपको मिलता है। तो कुछ इस तरह की थी नई वाली होंडा अमेज। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।